हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिया। रियास किचन एंड ब्लॉग्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल एक रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है गेहूं के आटे से बनी हुई पिन्नी या लड्डू, जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं और सर्दियों में हमें बहुत सी बीमारियों में से बचाने में हमारी हेल्प करेंगे। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक भारी तले की कढ़ाई ले लेंगे, जिसमें 2 कप हमें गेहूँ का आटा ऐड करना है और इसे बिना घी के ही हमें लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है, लगभग 7 से 8 मिनट तक। 7 से 8 मिनट तक इसे भूनेंगे, जब तक इसका कलर भी चेंज ना हो जाए और इसमें से खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। 7 से 8 मिनट भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने कुछ बारीक कटे हुए काजू और बादाम लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे भी डालकर हमें 2 से 4 मिनट तक भून लेंगे लो फ्लेम तक, ताकि लो फ्लेम पर इसे भूनते हुए इसमें जो ड्राई फ्रूट डाला है वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट तक इसे भून लिया है। अब इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड करना है घी। हमें इसमें देसी घी ही यूज़ करना है, क्योंकि देसी घी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है और सर्दियों में इसे खाना और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसमें हमें देसी घी ही डालना है। देसी घी यहाँ पर मैंने 1 कप यूज़ किया है। इसे मैं धीरे धीरे से डालकर इसमें मिक्स कर लूंगी अच्छे से। और ये जो बाकी का बचा हुआ देसी घी है ये भी डाल लेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। घी डालने के बाद भी हमें इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है। ये जो आटा है अच्छे से भून चुका है, फ्लेम को हमें बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। ये हल्का हल्का अब गर्म है, काफी हद तक ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें ड्राई कोकोनट जो ग्रेट किया है उसे ऐड कर देंगे। इसके भी काफी फायदे होते हैं। इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, फाइबर, मैग्नीशियम मिलता है। ये हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ इसमें 2 से 3 चम्मच ऐड कर देंगे सौंफ का पाउडर। इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होगा पिन्नी का। तो इसके साथ ही इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे 2 कप और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसे हाथों से मिक्स करना है अच्छे से। अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये विंटर के लिए काफी हेल्दी है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। ये बनकर तैयार है। इसे गार्निश करेंगे 1 बादाम से। इसी तरह से हम बाकी के सारे लड्डू बनाकर भी रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? ये हेल्दी पिन्नी की रेसिपी, लड्डू की रेसिपी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।